हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एनजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा था, सबसे पहले जनरल टर्म, फिर सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सेलेक्शन ऑफ टर्म्स, और उसके बाद हमने देखा था अरिथमेटिक मीन और फिर कुछ उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सभी चीजें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में पढ़ ली थी। अब हमें स्टार्ट करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अब ऐसे कोई हमने सीक्वेंस ली है जिन सीक्वेंस में किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी, एक जैसी वैल्यू आएगी। मतलब जैसे कि आपने सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड किया, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड किया, किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, फिक्स आएगा। तो ऐसी सिक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट, देन द सीक्वेंस नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। क्लियर है। इफ द रेशियो ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट, देन द सीक्वेंस नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। मतलब जैसे ए एन कोई एनथ टर्म है और उसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, ए एन माइनस वन। तो अगर ए एन को ए एन माइनस वन से डिवाइड करेंगे या इन दोनों का रेशियो हम देखें तो रेशियो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। अच्छा, इस कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलते हैं हम, कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो, और स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहां पर एक कंडीशन है, हमने एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो n की वैल्यू हमें दो या दो से ज्यादा रखना है, क्योंकि अगर हमने एक रख दी तो a जीरो आ जाएगा, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसी जीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, a ar, ar स्क्वायर, ar क्यूब, ar टू दी पावर 4, ar टू दी पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। ये किसी जीपी को हम जनरली अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4। अच्छा, यहां पर हम देख रहे हैं कि सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करो तो भी आर आएगा, यानी किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर एक जैसा आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4, 12, 36, 108। अब इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सेकेंड टर्म को अगर आप फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 36 को 12 से डिवाइड करो तो भी 3 आएगा, 108 को 36 से डिवाइड करो तो भी 3 आएगा। मतलब ये जो सीक्वेंस हमें दिख रही है ये सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है। तो जीपी क्या होती है, समझ में आ गया, किसी भी टर्म को कोई सीक्वेंस है उसकी किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ठीक है। कोई सी भी टर्म और ये उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पर आंसर कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट आंसर को ही क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, ठीक है। और ये इसका रिप्रेजेंटेशन और ये एग्जाम्पल है। क्लियर है यहां तक, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहले अगर हम एपी के जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म और एनथ टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी के जनरल टर्म की अगर हम बात करें तो अच्छा, एपी क्या होती है, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ये होती है एपी। और इसमें हम देखते हैं कि जिस नंबर की टर्म है आर की पावर उससे एक कम है, जैसे फर्स्ट वाले में आर की पावर 0 है, आर है ही नहीं, सेकेंड टर्म के अंदर आर की पावर 1 है,
थर्ड वाले टर्म में आर की पावर 2 है, यानी कि जिस नंबर की टर्म है आर की पावर उससे एक कम है। तो अगर मैं एन नंबर पे लिखूं तो मुझे बताओ आर की पावर क्या लिखूंगा मैं, एन माइनस वन, मतलब जिस नंबर की टर्म है आर की पावर उससे एक कम होगी। तो यहां पर एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ए ए आर ए आर स्क्वायर, कहां तक एनथ टर्म की अगर हम बात करें तो ए आर की पावर एन माइनस वन। तो इसी का हम क्या बोल सकते हैं, जनरल टर्म, मतलब ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, ये क्या हो गई किसी जीपी की एनथ टर्म। ठीक है, अच्छा ये अंडरस्टूड होता है कि एनथ टर्म बोल रहा हूं, मतलब मैंने बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं किया है, इसका मतलब कहां से है, बिगिनिंग से। ठीक है, एनथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बात करते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इसी का हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, तो स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। अगर आपको लास्ट टर्म निकालना है तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और एनथ टर्म फ्रॉम दी एंड, एनथ टर्म फ्रॉम एंड, अब एंड से अगर हम बात करें तो जब आप एंड से एनथ टर्म निकालोगे तो अब लास्ट वाली टर्म जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। और अगर एंड से देखोगे तो आप कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, आर की जगह वन बाय आर, तो फिर यहां पर एनथ टर्म फ्रॉम दी एंड हो जाएगा एल अपॉन आर टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करना है। पहला फॉर्मूला जनरल टर्म या एनथ टर्म, ये फ्रॉम दी बिगिनिंग बोल सकते हो, क्या होता है ए एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। अच्छा ए एन की जगह कभी कभी टी एन भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, फिर हमने देखा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म के लिए ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, और फिर तीसरा फॉर्मूला हमने देखा एनथ टर्म फ्रॉम दी एंड ए एन इक्वल टू एल अपॉन आर टू दी पावर एन माइनस वन। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो एक बहुत ही आसान एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन जीपी के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड टेंथ टर्म ऑफ जीपी 1, 3, 9, 27। ये एक हमें जीपी दे रखी है और इसकी हमें टेंथ टर्म फाइंड करना है। अब इसकी टेंथ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले कॉमन रेशियो निकाल लो, ए वन है कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। अब कौन सी टर्म फाइंड करना है, 10, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, 10। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस वन। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, कोई से नंबर की टर्म निकालना है अगर तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर रख दो तो a 10 इक्वल टू a की जगह 1, r की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 की पावर 10 माइनस 1, यानी कि फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 9। तो अगर आपको टेंथ टर्म निकालना है और यहां पर जीपी दी हुई है, जीपी दे रखी है 1, 3, 9, 27, किसी भी प्रकार की जीपी दी हुई हो सकती है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है और n मतलब कौन सी वाली टर्म आपको चाहिए। ये तीनों वैल्यूज जब जनरल टर्म में रखेंगे तो उस नंबर की टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 9, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जनरल टर्म के ऊपर, क्वेश्चन है इफ थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, then find the product of its first 5 terms। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दे रखी जीपी की, थर्ड टर्म कितनी है, 4 है, क्या गिवन है, a 3 कितना है, 4, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a r की पावर 3, a r की पावर 2 इक्वल टू 4, ए आर की पावर 2 इक्वल टू 4, क्योंकि हमें थर्ड टर्म क्या दे रखी है,
फोर दे रखी है। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर फोर। ए की पावर कितनी हो जाएगी फाइव, आर की पावर वन टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स और फोर टेन। इसको लिख सकते हैं हम ए आर की पावर टू होल की पावर फाइव, और ये वैल्यू हमें यहां पर दी हुई है ए आर स्क्वायर कितना है फोर है, तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे फोर की पावर फाइव। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि थर्ड टर्म फोर है और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म हमें निकालना है, तो थर्ड टर्म फोर मतलब ए थ्री की वैल्यू फोर है, ए थ्री मतलब ए आर की पावर टू इक्वल टू फोर, ये वैल्यू हमने निकाल ली। फिर हमें क्या फाइंड करना था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, तो इनका हमने प्रोडक्ट करा, पांच टर्म लिख लिए उनका प्रोडक्ट कितना आया ए की पावर फाइव इंटू आर की पावर टेन। अगर इसको हम फाइव पावर को वहां लिख दें तो ए आर स्क्वायर की पावर फाइव और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है फोर, तो फाइनल आंसर कितना आ गया फोर की पावर फाइव। क्लियर आया था, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इफ द टेंथ टर्म ऑफ अ जीपी इज नाइन, टेंथ टर्म नाइन दे रखी है एंड फोर्थ टर्म इज फोर, देन फाइंड इट्स सेवेंथ टर्म। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम। टेंथ टर्म ए टेन कितना दिया हुआ है नाइन, और इससे इक्वेशन बनेगी ए आर की पावर नाइन इक्वल टू नाइन, ये इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या दिया हुआ है फोर्थ टर्म इज फोर, यानी कि ए फोर इक्वल टू फोर दिया हुआ है, ए फोर इक्वल टू फोर, फोर्थ टर्म फोर है, तो फोर्थ टर्म फोर है मतलब ए आर की पावर थ्री इक्वल टू फोर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो हमें टेंथ टर्म दे रखी थी नाइन और फोर्थ टर्म दे रखी है फोर, तो हमने यहां पर ए और आर में दो इक्वेशन बना ली। ये फर्स्ट इक्वेशन है ए आर की पावर नाइन इक्वल टू नाइन और सेकेंड इक्वेशन है ए आर की पावर थ्री इक्वल टू फोर। अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए की और आर की वैल्यू निकालेंगे। ए की और आर की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम सेवंथ टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो सेकेंड टर्म से, मतलब ए आर की पावर नाइन अपॉन ए आर की पावर थ्री इक्वल टू नाइन बाय फोर, ए से ए कट जाएगा, आर की पावर सिक्स इक्वल टू नाइन बाय फोर और आर की पावर थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाय टू की पावर टू, आर की पावर थ्री इसकी वैल्यू आएगी थ्री बाय टू। आर की पावर थ्री की वैल्यू निकाल ली हमने, कितने आ रही है थ्री बाय टू, और आर की पावर थ्री यहां रख देंगे तो ए निकल जाएगा, ए आर की पावर थ्री इक्वल टू फोर, ए आर की पावर थ्री की जो वैल्यू निकाली हमने थ्री बाय टू यहां रख दी तो ए आ जाएगा एट बाय थ्री। क्लियर है, तो आर की पावर थ्री निकाल लिया थ्री बाय टू और ए निकाल लिया हमने एट बाय थ्री। अब हमें फाइंड करना है सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म ए आर की पावर सिक्स, तो ए आर की पावर थ्री का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है एट बाय थ्री और आर की पावर थ्री की वैल्यू हमने निकाली थी
3 बाय 2 का स्क्वायर, तो 8 बाय 3, 9 बाय 4 सॉल्व करेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 6। इसका मतलब सेवेंथ टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 6। आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले टेंथ टर्म हमें 9 दे रखी है और फोर्थ टर्म क्या है 4 है, तो टेंथ टर्म अगर 9 है तो ए आर की पावर 9 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यू, ए आर क्यू इक्वल टू 4 है। दो इक्वेशन बना ली, इन दोनों को सॉल्व कर दिया हमने। सॉल्व कैसे करा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, डिवाइड करा तो आर की वैल्यू निकाल ली, आर की पावर 3 इक्वल टू 3/2 आ गया। आर निकालने के बाद सेकंड इक्वेशन में आर क्यूब की वैल्यू रख दी हमने, तो यहां से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली आर की, और 1 की वैल्यू निकालने के बाद ए 7 निकालना है तो ए आर की पावर 6, और हमने यहां पर आर क्यूब की वैल्यू निकाली है तो आर क्यूब का होल स्क्वायर और आर क्यूब की वैल्यू रख दी, सॉल्व करा तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है, इन एनी जीपी द लास्ट टर्म इज 512, तो लास्ट टर्म में क्या दे रखी है 512 एंड कॉमन रेशो इज 2, कॉमन रेशो मतलब आर की वैल्यू कितनी है 2 है, देन फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म मतलब एन की वैल्यू कितनी है 5, देन फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म, यानी कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फ्रॉम दी एंड वाला, nth टर्म फ्रॉम दी एंड के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए एन इक्वल टू एल अपॉन आर की पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम दी एंड। अब इस फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है, एक तो आपको लास्ट टर्म दी हुई है 512, कौन सी टर्म निकालना है फिफ्थ टर्म 5, और कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, लास्ट टर्म दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन रेशियो, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ए 5, लास्ट टर्म 512 अपॉन आर की वैल्यू 2, 5 माइनस 1, यानी कि 512 अपॉन 2 की पावर 4 यानी कि 16, डिवाइड करो 3/2, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड कितनी होगी 32। क्लियर है, आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो, है ना, तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जीपी का, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए, एक तो होता है एस एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उस केस में हम सम ऑफ एन टर्म्स के लिए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और व्हेन आर इज लेस देन 1, आर अगर लेस देन 1 है तो सेकेंड फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये फॉर्मूले आए कहां से, ड्राइव कैसे होते हैं, इनका प्रूफ देखते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ही आसान है, या तो आप लोग कर ही लोगे लेकिन समझ के आप करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का प्रूफ क्या है ये देखते हैं हम, तो हम देख रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे ड्राइव होता है। तो एस एन इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर, लास्ट टर्म इसकी ए आर की पावर एन माइनस 1, ये एस एन है और ये सम हमें निकालना है। इसी फॉर्मूले को फिर से लिख रहे हैं लेकिन आर से मल्टीप्लाई करके, तो R से अगर पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा R Sn, इसको भी R से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR प्लस AR स्क्वायर AR की पावर n माइनस 1 और लास्ट टर्म हो जाएगी AR की पावर n,
तो एस एन इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ये अपने को एस एन निकालना है। तो एस एन मतलब इन सभी का सम। हमने क्या करा, इसी जीपी को आर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी ए आर की पावर एन, और थोड़ा सा मैंने एक टर्म आगे शिफ्ट करके इसको लिख दिया। अब ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो यहां माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू ए आर, ए आर से कैंसिल हो जाएगा ए आर स्क्वायर से, मतलब यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे पास ए माइनस ए आर की पावर एन। एस एन कॉमन ले लो तो बचेगा वन माइनस आर इक्वल टू ए माइनस ए आर की पावर एन। एस एन इक्वल टू ए कॉमन ले लो तो कितना बचेगा वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो यही फॉर्मूला है एस एन के लिए, सम ऑफ एन टर्म के लिए ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। और इसी को ये कब के लिए है, आर लेस देन वन के लिए। और यही फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है एस एन इक्वल टू माइनस, ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन, नीचे माइनस कॉमन लेंगे और माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे आर माइनस वन, और ये फॉर्मूला है आर ग्रेटर देन वन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही आसान मेथड है फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो एस एन के दोनों फॉर्मूले हमने प्रूव कर लिए। चलिए तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। फिर हम आर की वैल्यू देखेंगे, आर अगर लेस देन वन है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आर अगर ग्रेटर देन वन है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी जीपी का सम निकाल सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की तरफ। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इसके लिए फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशो। और कंडीशन यहां पे याद रखना कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन, आर की वैल्यू मॉड ऑफ आर लेस देन वन होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होना चाहिए। तो सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स अगर आपको निकालना है जीपी का, तो कॉमन रेशियो आपको याद रखना है कि कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है उसके लिए माइनस वन से प्लस वन, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म, ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई जीपी डिक्रीजिंग जीपी है, डिक्रीजिंग है तभी उसका आर रहेगा एक से कम, तो उस केस में क्या करेंगे हम उसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। चलिए तो सम ऑफ जीपी के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ टेन टर्म्स ऑफ जीपी 3, 6, 9, ठीक है। ये हमें जीपी दी हुई है और इसके सम ऑफ टेन टर्म्स हमें फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 3, कॉमन रेशो 6/3 यानी कि 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब यहां पर एस 10 सम ऑफ 10 टर्म्स, ए की वैल्यू 3, आर कितना है 2, 2 की पावर एन माइनस वन, एन की जगह कितना रखेंगे 10 अपॉन आर माइनस वन यानी कि 2 माइनस 1, ठीक है। तो एस 10 की वैल्यू आएगी 3, 2 की पावर 10,
1024 माइनस 1 अपॉन 1, तो एस 10 आएगा 3 इंटू 1023, कैलकुलेट करने पर 3069। तो ये सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स या कितने भी टर्म्स का अगर आपको सम निकालना है तो कौन कौन सी वैल्यू ए पता होना चाहिए, आर और नंबर ऑफ टर्म्स। इससे क्या होगा, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। क्लियर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जीपी हमें दी हुई थी। तो फर्स्ट टर्म आर और नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू पुट करके हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज 9 टाइम्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सेम जीपी, देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। मतलब कोई जीपी है और उसका सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स क्या है, 9 टाइम्स है, किसके, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स के। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एस 9 सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, एस 6 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब ए आर टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 9 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आर की पावर 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। सम ऑफ 6 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो यहां पर ये इक्वेशन बन जाएगी। अब एस 6 का मतलब ए आर टू दी पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 और 9 एस 3 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ए इंटू आर की पावर 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर माइनस 1 यहां पर कैंसल हो जाएगा, ए से ए कैंसल हो गया। अब आर की पावर 3 माइनस 1 इसके अपॉन में आएगा, आर की पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर की पावर 6 मतलब आर की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, आर की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो आर की पावर 3 माइनस 1 आर की पावर 3 प्लस 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 9, ये कैंसल हो जाएगा। आर की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 9, आर क्यूब इक्वल टू 8। तो सॉल्व करके आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2, मतलब कॉमन रेशो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन को सबसे पहले यहां पर अप्लाई किया हमने, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी। उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करते गए हम, वैल्यूज पुट करने के बाद आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2, मतलब कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, बस कंसेप्ट यहां पर था। क्लियर है क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 9 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 5 देन फाइंड कॉमन रेशियो। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दिया हुआ है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी मतलब एस इंफिनिटी की वैल्यू 9 दे रखी है और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो कॉमन रेशियो हमें निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एस इंफिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इक्वल टू 9 और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म मतलब ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 9। चलिए यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए आएगा 9 इंटू 1 माइनस आर और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में आगे दिया है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 5,
फर्स्ट टू टर्म मतलब पहली टर्म ए होती है और दूसरी टर्म क्या होती है जीपी की ए आर। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना है, फाइव है। यहां पर ए कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस आर इक्वल टू फाइव, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन, ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं, ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड में रख रहे हैं, तो आएगा नाइन इंटू वन माइनस आर वन प्लस आर इक्वल टू फाइव। अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो वन माइनस आर स्क्वायर नाइन आएगा फाइव के अपॉन में, इसको इधर ले आओ, वन माइनस फाइव बाय नाइन इक्वल टू आर स्क्वायर फोर बाय नाइन इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहां से हम बोल सकते हैं आर की वैल्यू आएगी प्लस माइनस टू बाय थ्री, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन थी, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी नाइन दिया था, मतलब एस इंफिनिटी की वैल्यू नाइन, तो ए अपॉन वन माइनस आर इक्वल टू नाइन, ए की वैल्यू हमने निकाल ली और ए कितना निकाला नाइन इंटू वन माइनस आर। ए निकालने के बाद सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म कितना है, दोनों का सम फाइव दिया हुआ है, ए कॉमन ले लिया वन प्लस आर इक्वल टू फाइव, फिर हमने ए की वैल्यू यहां पुट करी सॉल्व करा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर प्लस माइनस टू बाय थ्री, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहां से यहां तक आपको एक जीपी दे रखी है और जीपी है थ्री प्लस थ्री अल्फा प्लस थ्री अल्फा स्क्वायर, कहां तक इनफाइनाइट टर्म्स है, और इसका सम हमें दिया हुआ है 45 अपॉन 8, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन क्लियर है, एक इनफाइनाइट जीपी दे रखी है और उसका सम कितना दिया हुआ है 45 अपॉन 8, तो अल्फा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये जो जीपी हमें दी हुई है, इस जीपी में अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म लगाए हम तो फर्स्ट टर्म कितनी है थ्री है, कॉमन रेशो थ्री अल्फा अपॉन थ्री यानी कि कॉमन रेशो आर है, एस इंफिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म 45 अपॉन 8 ये हमें दिया हुआ है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म वन अपॉन ए अपॉन वन माइनस आर इक्वल टू 45 अपॉन 8, ए की वैल्यू पुट कर दो थ्री अपॉन वन माइनस आर यानी वन माइनस अल्फा, आर की वैल्यू अल्फा दी हुई है, और 45 अपॉन 8। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 8 अपॉन 45 इक्वल टू वाई माइनस अल्फा, कैंसल आउट हो रहा है 3 1 3 5 मतलब 8 अपॉन 15 इक्वल टू y माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1 माइनस 8 अपॉन 15, अल्फा इक्वल टू 7 अपॉन 15, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 15। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना दिया हुआ है 45 अपॉन 8, अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जो फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r वो हमने लगाया, फर्स्ट टर्म थ्री है और कॉमन रेशियो कितना आया अल्फा, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की हमने वैल्यू पुट करी सॉल्व करा और सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ गया 7 अपॉन 15, क्लियर है। तो ये आंसर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई कठिन नहीं था, ठीक है। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, सबसे पहले जीपी क्या होती है उसकी डेफिनेशन, कुछ हमने फॉर्मूला देखे थे जीपी के, जनरल टर्म लास्ट टर्म और nth टर्म फ्रॉम दी एंड, ये हमने देखा। उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, दो अलग अलग कंडीशन में देखा था, इफ आर इज ग्रेटर देन वन इफ एंड इफ आर इज लेस देन वन,
ठीक है। उसके बाद देखा हमने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कौन सी कंडीशन में निकलता है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन वन, मतलब आर की वैल्यू अगर माइनस वन से प्लस वन के बीच में है तब हम क्या करते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकाल सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो ये लेक्चर अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं आज का। तो ये पूरा अच्छे से रिपीट कर लेना, इसको नोट कर लेना, और इन टॉपिक के ऊपर जो भी आपके पास बुक्स है उससे भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।